मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है, वैसे वैसे भाजपा के नेताओं ने चुनाव प्रचार को और तीखा करने के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को आरोपों के घेरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, गोपालपुर विधानसभा में अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान चुनाव संचालन समिति के मीडिया प्रभारी सच्चा सिंह ने मौजूदा सपा विधायक नफीस अहमद पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके चुनाव प्रचार पर सवाल खड़ा किया है और सामाजिक सद्भावना को तार तार करने वाला भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के परंपरागत पर्व शिव बारात के दिन उसी रास्ते पर साइकिल रैली निकालना और इतना ही नहीं, अपने मौजूदगी में अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा लेकर बारात में भेजना और व्यवधान करने की नीयत से पार्टी का जयकारा लगवाना विधायक की मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। जनता इस तरह के मानसिकता वाले व्यक्ति और पार्टी को पहचान गई है और इस बार समझा भी देगी। क्या कुछ कहा सच्चा सिंह चुनाव संचालन समिति मीडिया प्रभारी गोपालपुर ने, आपको सुनवाते हैं। आई जानते सच्चा जी। जी, ये पूरा गोपालपुर विधानसभा हमेशा से माना जाता है कि ये सपा का घर है। जी, इसमें आप अपना कमल खिलाने के चक्कर में पड़े हैं और वैसे आप बहुत अच्छे पद पे भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं। जी, तो इसमें क्या आपको कैसा लग रहा है? इस टाइम हमारे गोपालपुर विधानसभा से सत्येंद्र राय जी को जो टिकट मिला वो सूझबूझ के साथ दिया गया है और हम अपार करीब 25,000 वोटों से जीतेंगे। विधायक नफीस अहमद जी हैं, शिवरात्रि के दिन बारात निकली थी शिव जी की। जब बारात निकली तो बीच रास्ते में उनकी साइकिल रैली निकली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नफीस अहमद इतने भ्रष्ट हैं कि हमारे हिंदू धर्म को इस तरीके से अंदर डाल के झंडा फहराने की उनकी नीयत क्या थी, वो चाहते क्या थे? अगर उसमें हमारा प्रशासन सक्रिय नहीं रहा होता तो बहुत ही भयानक वहां पे लड़ाई हुई होती और चुनाव का रुख कुछ दूसरे तरफ चला गया होता। आप बताइए, क्या नफीस अहमद हिंदू धर्म के बीच बारात जो जा रही थी, ऐसा करना ठीक था? यहाँ के वो विधायक हैं, अगर वहाँ सम्मिलित हो गए तो क्या दिक्कत? नहीं, सम्मिलित नहीं हुए, लोग कह के भेजे कि जाकर शिव बारात में झंडा फहराओ सपा का। और आप लोगों को पता होगा, सभी लोगों को पता है कि हिंदू धर्म में जब बारात निकलते तो उसमें अपने धर्म का गाना बाजा बजता है। नफीस अहमद उस बीच में जाकर अपने जो भ्रष्ट कार्यकर्ताएं थे उल्टा पुल्टा बुलवा रहे थे और नारा लगवा रहे थे, ये ठीक नहीं था। वहाँ पे प्रशासन नहीं रोका होता तो वहाँ पे बहुत ही भीषण, नहीं कह सकते, मारपीट हुई होती और आगजनी भी हुई होती। नहीं नहीं, ये आगजनी वो विधायक है, विधायक जो उस रास्ते से गुजर रहा है, अगर उसने बारात वहाँ का विधायक सम्मिलित हो गया तो इसमें सम्मिलित नहीं, सम्मिलित होने का तात्पर्य होता कि विधायक खुद जाए वहाँ पे, अपने पार्टी का झंडा लेकर जाना क्या दिखाता है? और वहाँ पे साइकिल के पक्ष में, सपा के पक्ष में जिंदाबाद लगवाना क्या कहता है? तितर बितर करो। आप बताइए, सिटिंग MLA को ऐसा करना ठीक है? नहीं, चलिए बोल।